मैं इश्क कहूँ तुम काशी समझ लेना। स्वागत है आपका दुनिया के सबसे पुराने शहर बनारस में। चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ ऐसी भोले बाबा की नगरी जो शिव जी के त्रिशूल पर टिकी हुई है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ जीने में तो दिल को शांति मिलती ही है, लेकिन यहाँ मरना भी भाग्य वालों को ही नसीब होता है। बनारस उर्फ काशी को मोक्ष का द्वार भी माना जाता है। हेलो गाइस, तो आज मैं फाइनली हूँ बनारस में, जहाँ मुझे काफ़ी टाइम से आना था। एंड फाइनली वी आर हियर एंड मैं आई हूँ अस्सी घाट पे। दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस आई एम एक्सप्लोरिंग एंड काफ़ी ब्यूटीफुल सा घाट है एंड इट्स नॉट दैट क्राउडेड जैसे हरिद्वार और ऋषिकेश में काफ़ी सारे घाट हैं। अभी के टाइम दोपहर है अभी एंड आज मौसम भी थोड़ा अच्छा है, इट्स नॉट टू हॉट, बट घाट काफ़ी क्वाइट है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। बनारस के घाट में बिताए सुकून भरे पलों ने, बनारस की चहकती महकती गलियों ने और बनारस के जिंदा दिल मिजाज वाले बनारसी बाबुओं ने मुझे इस शहर से इश्क में डाल दिया। तो इस वीडियो में आपको लेके चलती हूँ वाराणसी के प्रमुख स्थानों पे, जहाँ जाके आप भी बनारस से इश्क करने लगेंगे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइए, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलना है ना। तो ये सारी जो आप बोट्स देख रहे हैं ये आपको बोट राइड कराती हैं एंड इट्स 300 रुपीज़ देती हैं। अगर आप शेयरिंग में जाना चाहते हो तो 100 रुपीज़ 30 मिनट्स की बोट राइड कराती हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल राइड। तो मैं अभी थोड़े दिन यहाँ पे हूँ तो मैं भी बोट राइड करने वाली हूँ। एंड हम लोग जा रहे हैं जो मेन यहाँ का मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर। सुबह सुबह है तो जल्दी दर्शन हो जाएगा, अदरवाइज काफ़ी भीड़ रहती है। एंड अंदर कैमराज अलाउ नहीं है तो मैं अंदर से तो नहीं ले पाऊँगी, बट राइट नाउ वी आर ऑन द वे। सो ये मंदिर जो है दशाश्वमेध घाट के पास में है। अभी अभी हमारे दर्शन हो गए हैं एंड हम लोग जब गए थे तो अपना सामान जो था वो लॉकर है यहाँ पे, मंदिर के पास गेट के पास में ही है, यहाँ पे आप अपना सामान जमा कर सकते हो। यहाँ जमा कर गए थे, अभी हमें मिल गया है। सो गाइस, द थिंग अबाउट वाराणसी इट्स ओल्ड एंड न्यू एट द सेम टाइम। आप देखोगे पुरानी पुरानी लेन्स हैं, उसके अंदर भी नए नए कैफेज हैं। आप देखोगे कि बाहर इतना शोर है एंड अंदर घाट के पास एकदम शांति है। सो आपको याद है मैंने आपको सुबह घाट दिखाया था कितना अलग था, देयर वाज म्यूजिक गोइंग ऑन, देयर वाज योगा गोइंग ऑन। अभी आपको मैं घाट दिखाती हूँ, यहाँ पे मेला लगा हुआ है तो यहाँ पे आप सुबह आओगे, शाम को आओगे, दोपहर को आओगे, आपको हर टाइम अलग फीलिंग आएगी। आप देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। तो चलिए हम यूपी की भेल ट्राई करते हैं, मुझे सिर्फ यूपी की भेल पसंद है बिकॉज मैं भी यूपी से हूँ और मुझे कहीं और की भेल नहीं पसंद है। सो आई डोंट लाइक द स्वीट टेस्ट, तो यहाँ पे आफ्टर सो मेनी डेज आई हैव गॉट दिस टेस्ट विच आई लाइक, सो लेट्स ट्राई। बहुत सारी चीज़ें हैं, सेव पूरी है, पानी पूरी है, मैगी है, देयर आर स्टॉल्स ऑफ स्मॉल किड्स के जो टॉयज होते हैं। हॉस्टल, अगर आप ट्रैवलर हैं यू कैन हैव लॉट्स
lots of fun here. These guys have dorms, these guys have private rooms and काफी cool इनका hostel है. यूपी का जो पेट ब्रेकफास्ट है वो है पूरी सब्जी. तो अभी हम लोग हैं सतगुरु कबीर मंदिर में एंड आई सपोज यहाँ पे जो कबीर जी थे वो रहा करते थे. दिस इज अ टेम्पल एंड यहाँ पे आप बाहर देखो कबीर की लाइफ स्टोरी डिपिक्ट की है एंड कबीर के दोहे भी लिखे हुए हैं. ये जो दोहे हैं काफ़ी मीनिंगफुल हैं. एक एक दोहा बहुत ही गहरा है, आपको गहराई तक जाना पड़ेगा. तो ये वो प्लेस है जहाँ पे कबीरदास जी रहते थे, उनकी समाधि भी है जो फूल से बनाई गई थी. फूल लाके एक्चुअली मैं उनकी जो डेथ है वो कहीं और हुई थी तो वहाँ से एक फूल आया गया था और यहाँ समाधि बनाई गई थी. यहाँ पर उनकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनके पास थी, वो एज अ मेमोरी रखी हुई हैं. एंड जहाँ पे उनका बचपन बीता था वो जगह यही है. तो आपने अगर कबीर के दोहे पढ़े हैं बचपन में, मैंने तो काफ़ी सारे पढ़े हैं अपनी हिंदी बुक्स में. चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ कबीर जी के घर में, नीरू टीला जिसका नाम है. तो ये कबीर जी का घर हुआ करता था. शास्त्री प्रवेश द्वार के पास में है. यहाँ पे जो यहाँ के राजा थे नरेश, वो रहा करते थे. बहुत दिनों से मैं सोच रही थी बोट राइड करने का एंड मेरा लास्ट डे है आज, तो फाइनली आई एम हियर. एंड ये लोग लेके भी नहीं जा रहे थे बहुत दिन से, पानी काफ़ी भरा हुआ है. एंड यू कैन लाइक दिस बोट राइड इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरीन, बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस होगा, आप ज़रूर करिए. इट कॉस्ट इज अराउंड 100 पर पर्सन, 100-150 ऐसा लगता है अगर आप शेयरिंग में आते हैं तो. एंड मैं आपको भैया का नंबर दे दूँगी, आप आएँ तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. क्या नाम है भैया आपका? घनश्याम है. मैं चलता फिरता मोबाइल हूँ, मेरा मोबाइल डैमेज हो गया. अभी दो प्राणी को मैं बचाया, उसी में मोबाइल मेरा गंगा जी चला गया. मोबाइल ना होने के कारण मैं बहुत थोड़ा सैड हूँ. जिसको मिलना है तुलसी घाट हरिश्चंद आ रहे, तुलसी घाट 80 घाट आते ही कहिएगा घनश्याम मेरे दोस्त. देखिए ये फर्स्ट टाइम आए, एक चप्पू लेफ्ट राइट, दोनों राइट वाला चप्पू दोनों हाथ से चला रही हैं. हमें लग रहा है जल्दी जलपरी से इनका सामना होगा. ईच मैडम, मैडम जी सोच रही है चावल दाल आलू गोभी का सब्जी जैसे मिक्स करके उठा के खाते ना, तो वैसे चप्पू चलाना है. इसीलिए मैडम जी से मैं बोला, मैडम जी ट्राई. एक और बहुत ही प्यारी सी जगह दिखाती हूँ, एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है चेत सिंह फोर्ट. ये शिवाला में है, आप फोर्ट के अंदर नहीं जा सकते बट यहाँ से आपको पूरी गंगा दिखेगी. एंड बहुत ही शांति, बहुत ही पीसफुल जगह है, आप यहाँ आके जस्ट बैठ सकते हैं. तो अगर आप 80 घाट पे आ रहे हैं तो यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर है, दुर्गा कुंड है, तो यहाँ पर ज़रूर आइए.
का है, राधा कृष्ण का मंदिर है एंड मेन दुर्गा मंदिर है, दुर्गा कुंड है यहाँ पे। काशी उर्फ बनारस में मणिकर्णिका घाट एक ऐसा स्थान है जहां आने के बाद आपको जीवन की असलियत का पता चलता है। यूं तो हम अपनी दुनिया में लाख मशगूल होते हैं, लेकिन हम जब इस घाट पर आते हैं और शव को जलते हुए देखते हैं तो पूरी दुनिया बेमानी सी लगती है। मुझे मणिकर्णिका घाट जाके समझ में आया कि क्यों ना हर पल को जी लें, क्यों ना किसी को मुस्कुराने की एक और वजह दे दें, क्यों ना मोह और घमंड को टाटा बाय बाय कर दें, क्योंकि ज़िंदगी कुछ और नहीं एक छोटी सी हंसी कहानी है जो हम सबको छोड़ के जानी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।